बट यू नो कमिंग फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स पंजाबी फैमिली एवरीथिंग इज़ अ बिगर देन लाइफ रिएक्शन. इतना ज़्यादा अरे दम्मे दी बीमारी लग गई उनकी होएगा हाय ये तो खत्म हो गया मुंडा लाइक इट्स लाइक सो ओवर रिएक्टेड एंड दैट स्केयर्ड मी. हाय मैं हूँ शेफ विकास खन्ना. आई एम अ शेफ ऑथर फिल्म मेकर एंड अ हेल्थी एस्थमेटिक. हेलो मैं हूँ नीना गुप्ता. मैं एक एक्ट्रेस हूँ और आज मैं विकास से बात करने आई हूँ अस्थमा के बारे में. विकास तुम्हें काफी लेट पता चला ना 30-31 साल की उम्र में कि तुम्हें अस्थमा है. तो फिर कैसे पता चला और क्या किया तुमने? नीना जी मैं बहुत जल्दी थक जाता था मतलब चलना भी होता था मुझे प्रॉब्लम आ रही थी एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बी डूइंग स्टैंडिंग जॉब्स फॉर 16 आवर्स. And then I went to a specialist. A specialist ने कहा कि listen, it's you have asthma. And I was shocked. Like I didn't see that coming. Asthma मतलब because there were so many stigmas attached to it. I thought, but what do I do? He's saying, please don't get panicked at all. You just have to control it. और बिल्कुल डरने की बात नहीं है. बहुत बड़े-बड़े लोगों को athletes का भी asthma है. And that is what gave me a, you know that whole like I went back to my schedule after some time and everything was okay. तुम्हारी फैमिली ने विकास कभी रोका है कि इनहेलर क्यों ले रहे हो? और जब उन्हें ये पता चला कि तुम्हें अस्थमा है तो उनका क्या रिएक्शन था? नीना जी मम्मा को भी अस्थमा है तो आई वाज अवेयर ऑफ मम्मा लेते थे यू नो दवाई लेते थे या कभी कभी उनको नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ती थी इनहेलर्स कभी कभी लेते थे मम्मा तो आई वॉज अवेयर ऑफ इट. सो कोई आंटी आई कहती है तू मच्छी खा कच्ची मच्छी खा ठीक हो जाएगा. सभी डॉक्टर बने हुए थे कि नहीं नहीं हल्दी पी एकदम ठीक हो जाएगा कुछ होता नहीं अदमा तो लंबी लंबी सांस ले अभी ठीक हो जाएगा गर्म पानी पी ले लाइक नाक में पानी डाल. आई एम लाइक गाइज आई नो दैट द क्योर इज इन साइंस एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ साइंस एंड दैट इज वाई मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात सुनी मैंने किसी की बात नहीं सुनी. तो ये बताओ विकास कि पूरे इंडिया में जिन लोगों को दमे की बीमारी है अस्थमा है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? इना जी मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ इंडिया में कि जितने लोगों को भी अस्थमा है प्लीज़ अपनी डॉक्टर की बात सुने. ये एक ऐसी बीमारी जिसका बहुत रिसर्च हो चुकी है. इसकी जो मेडिसिन है इनहेलर्स हैं दे हैव टू बी पार्ट ऑफ योर डेली रिचुअल. जैसे आप रोज़ाना कोई काम करते हैं डिसिप्लिन में आपको अस्थमा का अपना ध्यान भी रखना है. And this should not stop you. This should actually continue to fulfill your dreams. And this is what I totally believe in. That this should not stop you. बहुत लोगों को लगता है कि अस्थमा हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. एक प्रॉब्लम है. Let's accept it. और लोगों की बात बहुत सलाह नहीं सुने. मैं वही सबको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ जितने लोगों को मिलता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी सलाह देते हैं. When we know कि साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है with all these inhalers and everything, go to a consult a doctor. And listen to your doctor and follow the advice. मैं यही कहना चाहूँगा.